बाहर से दूसरे डिपार्टमेंट से बच्चे आते हैं, वो पूछते हैं शकुंतला का रूम कौन सा है कौन सा, और वो वहाँ पर जाते भी हैं। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो बाहर से विजिट करके आते हैं, लेकिन काफ़ी देर से बंद है। खैर, अंदर कोई नहीं जाता है। एक बात है मैम, जी ठीक जी है, यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं जी जी वो तो चले सुनते हैं, जानते हैं, उनको स्टोरी का पता है। जी जो जी बाहर से ठेकेदार आ रहे हैं सैनिटरी जी जी के, जी कंस्ट्रक्शन के, जी उनको तो नहीं पता ना, जी वो जी क्यों घबरा रहे हैं इस जगह से? सब वो जब वो जाते हैं तो उनको थोड़ा फील होता है, जैसे कि कोई जैसे दबाव टाइप का नहीं होता, इस तरीके का फील होता है उनको, थोड़ा सा वो खौफजदा हो ओए जाते हैं। होए होए होए, अंदर क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि वो रूम बंद है। अब ये नहीं पता क्यों बंद है, बस यही सुना है कि शकुंतला की वजह से बंद है। तो बंद से मुराद उसमें तो सिर्फ रस्सियां बंधी हुई हैं, ताले वाले तो लगे हुए नहीं हैं, खुल सकती हैं, कोई क्यों नहीं खोलता, क्यों नहीं जाता? खौफ आता है सबको, क्योंकि वो रूम का आप खुद देखिए, वो रूम ऐसे है जैसे बहुत ही खौफनाक है, कोई अंदर जाता ही नहीं है। उधर अंदर इतना पुराना सामान पड़ा हुआ है, और जैसे था वैसे का वैसे ही है, उस पर बिल्कुल चेंजेस नहीं आई है। अब 2 साल बाद भी आएंगे, 3 साल बाद भी आएंगे, वो वैसे का वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होती है। कुछ कहानियां और वाकयात ऐसे भी होते हैं जो वक्त गुजरने के साथ साथ और गहरे या नाकाबले फरामोश होते जाते हैं। चाहे उन वाकयात को तकरीबन 100 साल ही क्यों ना गुजर गए हों। जी हां, जैसे शकुंतला। पाकिस्तान के सूबे पंजाब का मशहूर शहर लाहौर, जहां मौजूद है एक ऐसा हॉस्टल जिसे अब पुराने हॉस्टल के नाम से जाना जाता है। इसी पुराने हॉस्टल की ही एक तालिबा थी ये शकुंतला। जी हां, थी, क्योंकि इनकी मौत भी इसी हॉस्टल में ही हुई। अब लोग इस हादसे और नुकसान की कई वजूहात बताते हैं। कुछ लोग तो यहां मौजूद इन दरख्तों से भी इसको जोड़ते हैं जिन्हें अब काट दिया गया। कुछ इसकी वजह मोहब्बत में नाकामी, और कुछ के मुताबिक ये आज तक एक पुरस्रार वाक्या ही है। लेकिन आज तकरीबन एक सदी गुजर जाने के बावजूद भी शकुंतला के उस कमरे को वैसे का वैसा ही क्यों छोड़ा हुआ है? किसी को इस कमरे के अंदर जाने की इजाजत क्यों नहीं दी जाती? इस कमरे के दरवाजे को इस तरह रस्सियों से क्यों बंद किया हुआ है? और इस कमरे को बाकायदा वजनी सामान के जरिए दाखलाए ममनू की शक्ल क्यों दी हुई है? आज भी हर जबान पर क्यों है ये नाम शकुंतला? आखिर वो क्या है? जनाब निकल गए हैं उस हॉस्टल के लिए। मैं बताता चलूं कि 100 साल पहले ये तामीर हुआ और उस हॉस्टल को बंद कर दिया गया, ख़ास कर जो शकुंतला का रूम है उसको तो बाकायदा ताले लगवा दिए गए हैं। लोग कहते हैं कि शाम 4 बजे के बाद ना उधर कोई ड्यूटी देता है ना कोई जाता है, और पिछले कई दहाइयों से जो शकुंतला का रूम है उसको लॉक किया हुआ है उन्होंने, और कहते हैं कोई हिम्मत नहीं करता उधर जाने की। एक चीज़ मैंने जो वीडियोस में देखी, नो डाउट 100 साल पुरानी कंस्ट्रक्शन है तो स्ट्रक्चर भी वैसा ही है कि आपको देख के खौफ आता है, और इतने अरसे से कोई उस जगह पर गया नहीं तो वैसे ही ज़रा अबेंडेंट सी महसूस होती है, डर तो वैसे ही आता है। अब रिक्वेस्ट तो हमने की है कि वो तमाम लॉक्स खोले जाएँ अपनी ज़िम्मेदारी पर, वो तमाम जगह हमें दिखाई जाएँ कहाँ क्या हुआ। और मैं वीडियोज़ में देख रहा था कि ना सिर्फ लॉक बल्कि उन दरवाज़ों को रस्सियों से बंद किया हुआ है कि कोई कोशिश भी ना करे जाने की। ना हमने लेफ़्ट जाना है सर? हाँ जी। ओके, ये और वो ओल्ड हॉस्टल एक ही टाइम पे कंस्ट्रक्शन हुई है? ओल्ड हॉस्टल इस बिल्डिंग से भी पुराना है। इससे आप भी उसका पुराना है? स्ट्रक्चर देखेंगे सबसे पुरानी बिल्डिंग वो सबसे पुराना है। ये वो बिल्डिंग है जी जो जिसको हम फोकस कर रहे हैं, इसको ओल्ड हॉस्टल कहते हैं। ये है? हाँ जी। अच्छा, और इसके अंदर वो कमरा है।
ये जो बिल्डिंग है ये 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। सही। और बाज़ जगहों पे ये लिखा हुआ है कि ये तकरीबन 200 साल पुरानी है। तो यहाँ पहले एक तालीमी इदारा था यूनिवर्सिटी से पहले भी, ये उसका हॉस्टल था और जिसके लिए आप आए हैं वो अंदर ही कमरा है, उसकी जो हिस्ट्री है। सही। लेकिन ये पुरानी तख्ती लगी हुई अभी भी इसके ऊपर। ओल्ड हॉस्टल। ठीक। आइए सर, वो जगह दिखाइए। बिस्मिल्लाह। ये क्लासरूम हो गए, लेकिन वो जिसको हम फोकस कर रहे हैं वो सामने कमरा है। अच्छा। उसको हमने बंद किया हुआ है। बंद इसलिए किया है कि क्योंकि उसकी एक हिस्ट्री है, एक वहाँ पे कुछ जो आपको मालूम है कि कोई मिस्ट्रीज उसके साथ एसोसिएट हैं। बिल्कुल। तो बच्चियों को उस माहौल से बचाने के लिए हमने उसको बंद किया हुआ है। और ये वो कमरा है जी, अगर आप देख सकते। अल्लाहु अकबर अनवर भाई, मैंने वीडियोस में तो देखा था, मैं अब आपको सामने भी दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप, कोई इसमें दो राय नहीं है कि आप जो बात जो सच है हक है उसमें कहने में कोई कबाहत नहीं है महसूस हो रही मुझे। क्या बच्चियों ने, जैसे कई वीडियोस भी बनी है, कभी कहा आपसे कि खौफ सा आया, डर सा महसूस हुआ टीचर? बिल्कुल जी, बच्चियाँ इस तरफ आने से भी कतराती हैं और ये चार तरफ कॉरिडोर्स हैं, उनकी कोशिश होती है कि यहाँ से ना ही गुजरा जाए और कोई मुतबादल रास्ता अपना लिया जाए। ओए होए होए। इसको बस वो दूर से देखती हैं और बच के निकलती हैं यहाँ से। और ऐसा कब से हो रहा है अनवर साहब? जब से मैं देख रहे हैं जी, हम यहाँ से 12-14 साल हो गए, हम यही एक्सरसाइज देखते हैं कि नस्ल दर नस्ल ये जो इंफॉर्मेशन है ये आगे शिफ्ट होती है जी, और जो पहली स्टूडेंट करती थी नेक्स्ट भी वही करेंगी, इससे बच के रहेंगी। सही सही। तो ये एक ट्रेडिशन सी बन गई हुई है कि जी गेट अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। ये हादसा तो हुआ था ना, वैसे वो हादसा तो एक हकीकत थी जो हुआ था यहाँ शकुंतला स्टूडेंट का, जो हादसा तो हुआ जी जी, वो चाहे उनकी अपनी गलती थी जो भी था वो हुआ तो था, और उसके बाद वो भी तो हिस्ट्री का हिस्सा है। बिल्कुल। अक्सर मेरे पास ऐसे केसेस इंडिया से भी बहुत आए हैं, दूसरी जगहों से भी आए हैं, खासकर बच्चियों से मंसूब ज़्यादा आए हैं जो एहतियात के मामलात होते हैं उनमें। लेकिन जैसा आपको बताया था, दिखाया था, सिर्फ ये सुना सुनाई बात नहीं है। माशाल्लाह हमारे साथ पीआरओ साहब मौजूद हैं, अनवर खान साहब, और ये आपके सामने है। एहतियात जो है वो आज भी जारी सारी है, मतलब एक समय ने इतना स्ट्रॉन्ग हो गया, और नो डाउट कई वही मैंने बात की ना कि हकीकत है, एक हादसा हुआ तो था। तो अब हमने इसको कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी 100 साल पुराने का वैसे ही छोड़ा हुआ है। हाँ जी, ये जब से हम देख रहे हैं जी, अशरा डेढ़ अशरा से ये उससे भी पुराने होंगे। ठीक। तो हमने ऐसे ही इसको देखा। बाकी हमने तमाम जगहों पर कुछ कंस्ट्रक्शन बेहतर रिकंस्ट्रक्शन करने की, रेनोवेट करने की कोशिश की है। इसको असी छेड़ हाथ भी नहीं लाया, इसको नहीं छेड़ा, और दरवाजे को भी हमने ऐसे ताला है।